हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके कुछ और क्वेरी ले लेता हूं। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज इकट्ठी हो गई थी, आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि आपकी क्वेरीज को मैं रिप्लाई कर दूं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था मैंने आपकी क्वेरीज जो है वो बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, तो फिर बहुत सारी इकट्ठी हो जाती तो जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो मैं सोचा कि आप लोगों का क्वेरी का जवाब दे दूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वेरीज है मूवीज हब, जो उन्होंने कमेंट किया कि सर इफ़ आई ज्वाइन आई आर एस एम ई होता है इन एज ऑफ 30 ईयर्स, देन विच रैंक आई कैन गेट बिफोर रिटायरमेंट। 30 ईयर्स इज क्वाइट लेट फॉर ज्वाइनिंग, और आप के चांसेस हैं कि आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक पहुंच पाएंगे। अगर लकी रहे और आपका प्रमोशन थोड़ा सा हो गया देन हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड आपको मिल सकता है, बट DRM और GM बनना मुश्किल है, वो आप नहीं बन पाएंगे। बट आप प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर तक बनने के चांसेस हैं और वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। आई होप आई क्लियर योर डाउट। अभिषेक दत्ता कमेंट करते हैं, थैंक यू सर फॉर कमेंटिंग, थैंक यू अभिषेक, आपने जो पसंद किया। और अभिषेक दत्ता का एक और कमेंट था कि सर आर और आप लोग में से कितने लोग IAS को कंपेयर करते हैं IAS से, इसका कोई मतलब नहीं है। सच्चाई तो यह है कि सारे IAS DM नहीं बनते, मेनली IAS में DM का है। ये बात सही है कि सारे IAS DM नहीं बनते हैं, और IAS में जो मेनली चार्मिंग पोस्ट है वो DM का ही है लोगों को। उसके बाद जब आप जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह में जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं तो वो आपका लगभग जो है वो कुछ ऑफिशियल जॉब ही रह जाता है, बहुत ज़्यादा आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं रह जाती हैं, और मैन पावर और जो पावर लोग DM में इंजॉय करते हैं। और DM का टैनर जो रहता है वो जितने भी साल का आपका रहता है 3 साल 4 साल 5 साल वही आप इंजॉय कर पाते हो, और वो भी सारे लोग DM नहीं बन पाते, ये बात फैक्ट है। तो उतनी ही सर्विस की लाइफ जो है वो आपकी जो है आप उस पर लोग इंजॉय करते हैं। हालांकि उसमें भी पोस्टिंग प्लेस अगर आपको अच्छा नहीं मिला या आपको कोई छोटी सी डिस्ट्रिक्ट मिल गई तो आपको वो अदर डिफ़िकल्टी जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताई हैं कि आपको एयरपोर्ट नहीं होता है, वहाँ से कहीं जाना है तो बहुत दिक्कत होती है, और उसके साथ साथ कहीं आपका मूवी देखना है या मॉल है, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, वो सब आपको नहीं मिल पाता छोटी सी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है उस समय। अभिषेक मिश्रा का एक और कमेंट है, अभिषेक मिश्रा लिखते हैं सर इन फ्यूचर अगर रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो क्या सारे IAS ऑफिसर भी प्राइवेट हो जाएंगे। नहीं भाई अभिषेक, ऐसा नहीं होता है। जब DOT प्राइवेट हुआ था, BSNL बना था, प्राइवेट नहीं हुआ था, इवन BSNL बना था, तब भी जो है ऑप्शन मांगा गया था। DOT में जिनको रहना था वो DOT में रहे थे, जितने भी ITS ऑफिसर थे, और जिन्होंने BSNL ऑप्ट किया था वो BSNL में आए थे। BSNL भी जो है वो प्राइवेट नहीं है, इट इज़ निगम जो बना था। तो और बाकी जो DOT ऑप्ट किए थे वो तो गवर्नमेंट में ही रहे थे, तो IAS के सारे ऑफिसर्स अगर रेलवे प्राइवेट होगी तो प्राइवेट नहीं होंगे, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो गवर्नमेंट में रहते हैं या वो प्राइवेट को ऑप्ट करते हैं। प्राइवेट नहीं, इवन इट इज जस्ट लाइक ए BSNL, तो ये निगम टाइप का अगर होता है कभी, बट अभी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, इसलिए इस बारे में जो है सोचना वो व्यर्थ है, अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अनंत मोहन कमेंट करते हैं सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन हाउ टू राइट ESE मेंस पेपर। ESE मेंस पेपर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया भी था जिसमें मैंने बताया था कि ESE मेंस की तैयारी आपको कैसे करनी है इलेक्ट्रिकल में, और मैंने बुक्स भी उसमें सजेस्ट की थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आगे मैं इस पर एक अच्छा सा और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि आप मेंस की तैयारी कैसे करें। JS परिस्ते कमेंट करते हैं, थैंक यू JS। अनर्घा नायक कमेंट करते हैं सर प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन सर, DRM रेलवे कौन सा लेवल का होता है, लेवल 14 और लेवल 14 और 15। ये लेवल 14 होता है, 15 नहीं होता है। और कितने साल के बाद DRM बनते हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ IRMSA, टेक अराउंड 28 ईयर्स करीब लग जाते हैं, 26 to 28 ईयर्स आप मान के चलिए, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाते हैं लोगों को DRM बनने में। और मेरे जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि मैं जब धनबाद में था 2013 में, उस समय जो DRM थे वो 82 बैच के थे, तो उनको करीब 30 साल लग गया था। और जब मैं समस्तीपुर में था 2017 में, तब जो DRM थे वो 86 बैच के थे, तो उनको भी 30 साल लग गया था, तो इट्स क्वाइट लॉन्ग टाइम। सिविल इंजीनियरिंग कमेंट करते हैं थैंक्स फॉर आंसरिंग, ओके सिविल इंजीनियरिंग, थैंक यू। अजय मीना कमेंट करते हैं सर प्लीज़ रेलवे में ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस बताइए। रेलवे में ट्रांसफ़र का प्रोसेस रेलवे बोर्ड से ट्रांसफ़र होता है, अगर आपको इंटर जोनल करना है और विद इन द जोन है तो आपके जो प्रिंसिपल HOD हैं वो आपका ट्रांसफ़र करते हैं एज ए ऑफिसर लेवल पर। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पर हैं तो आपका जो सीनियर DO होते हैं वो आपका ट्रांसफ़र करते हैं विद इन द डिवीज़न।
और डिवीजन के बाहर जो है वो आपके प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे PCME है, PCEE हैं, ये लोग आपका ट्रांसफ़र करते हैं विदिन द जोन। और बोर्ड में जो होता है तो वो फिर एडिशनल मेंबर और मेंबर ट्रांसफ़र करते हैं। नॉर्मली आप जिस जोन में ज्वाइन करते हो उसमें आपका सिलेक्शन ग्रेड तक उसी जोन में आप मूव करते हो, उसके बाद SAG लेवल के बाद ट्रांसफर्स होते हैं। बट आप चाहते हो तो आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अपना बोर्ड में जाके आप ट्राई कर सकते हो, तो वो फिर हो जाता है अगर आपका प्रयास हुआ और करने वाले की मंशा हुई, दोनों चीज़ें हुई। तो टेक्निकल हिरन कमेंट करते हैं, CPES में ग्रुप ए एंड ग्रुप बी है सर, बताइए, थोड़ा कन्फ्यूजन है कौन सा बेटर होगा। ऑफ कोर्स ग्रुप ए बेटर होगा ग्रुप बी से, ग्रुप ए के प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट ग्रुप बी से ऑलवेज बेटर होते हैं। और आपको अगर कभी भी ऐसा ऑप्शन आता है ग्रुप ए या ग्रुप बी, तो ग्रुप ए सर्विस इज ऑलवेज बेटर देन द ग्रुप बी। सुमित कुमार प्रधान कहते हैं, सर इफ़ क्वालिफाई द IAS एग्जाम ऑल द स्टेट, व्हाट इज़ द पोस्टिंग लोकेशन इन होम स्टेट और अदर स्टेट प्लीज स्पीक। देखिए भाई, इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि होम स्टेट यहाँ पे स्टेट नहीं होता है, यहाँ पे जोन होता है। अब आप अगर स्टेट से लें तो जिस जोन में आपका स्टेट आता है उस जोन को चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए, अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको अपनी पसंद की जोन मिल जाएगी। और उसमें भी जो है नॉर्दर्न साइड की जो जोन्स हैं NCR नॉर्दर्न, इनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मारामारी रहती है क्योंकि इनके ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं जो वहाँ से सिलेक्ट होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा रैंक अच्छी होगी तभी मिलेगी। कुछ जोन ऐसे हैं जो साउथ सदर्न जोन है या साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन है या SECR वगैरह, उनके कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो जोन आपको अगर रैंक लो भी होगी तब भी अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसके बाद शांतनु बघेल, और उसके बाद आपका ट्रांसफ़र का भी स्कोप है, आप ट्राई करके ट्रांसफ़र अगर वहाँ वैकेंसी होती है तो आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। हम लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था, मेरा ईस्टर्न था, मैं ईस्टर्न से NCR में आया था आफ्टर 2.5 साल की सर्विस वहाँ पर मैंने की थी करीब, उसके बाद क्योंकि मेरा घर ग्वालियर था। शांतनु बिटल कमेंट करते हैं, वेल डन सर, अमेजिंग मंगला, थैंक यू शांतनु। चेतन कुमार कमेंट करते हैं, सर प्लीज़ टेल अस योर वर्किंग प्रेशर अबाउट जॉब एंड हाउ वी कैन मैनेज इट। देखिए, वर्किंग प्रेशर डिविजनल वर्किंग में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आपको डे टू डे 24/7 ट्रेंड्स को मॉनिटर करना होता है, और वहाँ पे आपकी डेली पोजीशन भी आती है मॉर्निंग में, वो भी आपको देखनी होती है। उसके बाद जो पंचुअलिटी मीटिंग्स होती हैं वो अटेंड करनी पड़ती हैं, और बहुत सारी और भी मीटिंग्स होती हैं, कुछ वर्क रिव्यू मीटिंग होती हैं, कुछ आपकी राजभाषा वगैरह की मीटिंग होती हैं, कुछ यूनियन के साथ PNM वगैरह मीटिंग होती है, तो वर्क प्रेशर तो काफ़ी रहता है। और उसके बाद बहुत सारे एस्टिमेट्स बनते हैं, बहुत सारे शेड्यूल बनते हैं, फिर बहुत सारे हेडक्वार्टर के जो पोजीशंस मांगी जाती है वो बनती है, तो वर्क प्रेशर पूरा रहता है। और आपको उस वर्क प्रेशर में थोड़ा सा बिजी भी रहता है एटमॉस्फेयर, लेकिन ठीक है, वो बीच में फिर आपकी हेडक्वार्टर पोस्टिंग हो जाती है, वहाँ उतना काम नहीं रहता है, तो आप कंफर्टेबली कभी पोस्टिंग आपकी ज़्यादा वर्क प्रेशर वाली आ जाएगी, कभी कम वर्क प्रेशर वाली आ जाएगी, तो इट्स वेरी। और ये जो है दोनों तरह की पोस्टिंग आपको रेलवे में काम करने का मौका मिलता है, और दोनों ही पोस्टिंग का नेचर ऑफ वर्क बिल्कुल अलग अलग है, कहीं मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इंस्पेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, कहीं आपकी नाइट में भी आपको काफ़ी जो है बिजी रहते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है TRDU में या ऑपरेशन में कि कुछ फेलियर हो गया तो आपको नाइट में भी जगना पड़ता है, तो उस तरह का रहता है। कहीं कहीं ऑफिशियल जॉब है डे टू टाइम टू टाइम है, कुछ डिपार्टमेंट्स पर्सनल अकाउंट्स वगैरह में, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं प्रेशर रहता है, तो डिपेंड करता है कि प्रेशर जो है कहाँ पर रहता है कहाँ पर नहीं रहता। मैं इसके बारे में आपको एक डिटेल में बाद में बता दूंगा, आई विल टेक वन वीडियो ऑन डैट। सदमान अंसारी कमेंट करते हैं, सर ISME प्रेफरेंस कैसे फिल की जाती है। अरे इसके लिए आपको जब आपका होता है इंटरव्यू उसके पहले प्रेफरेंस मांगी जाती है, तो आपको एक फॉर्म रहता है उसमें भर के देनी होती है, उसमें आप अपने दे सकते हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से दे सकते हैं। और वर्क प्रेशर के बारे में मैं इतना और ज़रूर कहूँगा कि वर्क प्रेशर आप कंटिन्यूसली जब हैंडल करते हैं तो कई बार थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसीलिए आपको बीच बीच में ब्रेक भी दिया जाता है कि आप जो है अपने कुछ उस तरह की जॉब कर ली, या आप बीच में छुट्टी ले लेते हैं तो उस समय थोड़ा सा ब्रेक आपको मिल जाता है। अभी कमेंट करते हैं, सर अब तो नवंबर भी आ चुका है, IRMS का कब तक आएगा। देखिए अभी नवंबर शुरू हुआ है और नवंबर में बोला गया था, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आता है, इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, जब आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। अभिषेक मिश्रा कहते हैं, सर रिटायरमेंट होते तक कितने जोन में ट्रांसफ़र हो जाता है। डिपेंड्स ऑन, किसी किसी का तो एक ही जोन में पूरा जॉब सर्विस भी निकल जाता है, और किसी किसी के 5-6 जोन में भी हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफ़र होता है नहीं होता है। कई बार वैकेंसी होती हैं तो ट्रांसफ़र नहीं होता है, कई बार नहीं होती हैं तो हो जाता है। तो कई बार ऐसी जोन्स हैं जहाँ की पोस्टिंग हर लेवल की हैं, अपर लेवल की भी हैं, तो
लोगों को जो है एक ही जगह एक ही प्लेस पे दिल्ली है कलकत्ता है वहीं पे मैनेज हो जाती है पूरी। तो ये ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ट्रांसफ़र हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका कोई रूल या फंडामेंटल कोई एक प्रिंसिपल नहीं है कि नहीं इतने होंगे या इतने जोन होंगे या इतने डिविजन्स होंगे। राजेश सैनी कहते हैं सर आई एम माइनर हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस है और कैन इट डेवलप ए प्रॉब्लम, इट मे बी आपका सुनने की क्षमता में, वैसे बहुत ज़्यादा मैं इस बारे में नहीं कह सकता है, मेडिकल ही बता सकते हैं डॉक्टर्स, लेकिन हाँ मेडिकल इसका एग्जामिनेशन करता है और हियरिंग जो है वो विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट होगी तो दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। अभिषेक सिंह थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक। अभिषेक सिंह फिर से लिखते हैं सर व्हाट इज़ योर सैलरी, आई डोंट थिंक कि सैलरी शुड बी डिस्क्लोज्ड ऑन पब्लिकली ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो उत्सव शर्मा कहते हैं सर पोस्टिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन उत्सव, आप उसको POSH करके लिख रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आप जो है मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछना क्या चाह रहे हैं। और इस तरह के कमेंट आप जो कर रहे हैं उत्सव, आपका मतलब मुझे लगता है कि निगेटिव मैंटेलिटी और निगेटिव थिंकिंग से आप ये कमेंट कर रहे हैं। प्लीज आई डोंट वॉन्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। जीव कमेंट करते हैं सो सम वीडियो एंड फोटो इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस एंड बोरिंग सो प्लीज। देखिए जीविच ऐसा है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, आई एम वेरी बिजी इन माई जॉब आल्सो, और मुझे अपना जॉब के साथ अगर मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए टाइम निकाल पा रहा हूँ। और इसको मैं अगर करने बैठ जाऊँगा, एडिटिंग करूँगा और फिर इसमें पिक्चर डालूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो इतना मेरे पास टाइम अभी नहीं है कि मैं स्पेयर कर पाऊँ। हो सकता है कि आफ्टर रिटायरमेंट आई कैन डू मोर दिस टाइप ऑफ वर्क जब मैं फ्री होऊंगा। तो अभी तो जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो खाली शेयर कर सकता हूँ। अनिश कुमार कहते हैं सर कैन वन डू PhD इन रेलवे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, स्टडी लीव लेके आप PhD कर सकते हैं और इसके लिए आपको 2 साल की स्टडी लीव पेड मिल जाती है, उसके बाद आपको अपने से ही लेना होगी LWP अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है। ललित कुमार कहते हैं थैंक यू ललित। नेमतुल्ला मासूम सर हाउ फास्ट इज प्रमोशन इन BPSC? में प्रमोशन स्लो होता है और काफ़ी टाइम लग जाता है आपको, इनिशियल जो हो सकता है पहला प्रमोशन पाने में 10 से 12 साल लग जाए, उसके बाद अगले में फिर 12 साल लग जाए, और हो सकता है आपकी पूरी लाइफ में आप 2 प्रमोशन या मैक्सिमम 3 प्रमोशन पा पाओ, उससे ज़्यादा आप नहीं पा पाओगे। अर्जुन मीना कमेंट करते हैं सर जी PWI इन रेलवे और JEE इन MES विच इज बेटर जॉब टू स्टार्ट एट करियर। देखिए JEE PWI और JEE इन MES ये प्योरली आपकी चॉइस है। देखिए PWI में अगर आप आते हैं तो आपको पूरा ट्रैक का मेंटेनेंस वगैरह देखना पड़ता है और यहाँ आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, JEE से आप SSC बन सकते हैं, और MES में भी सिमिलर प्रोस्पेक्ट है, वहाँ पे थोड़ा जॉब आपका MES में दूसरे नेचर का होगा। सो आप दोनों जॉब अच्छे हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। रेलवे में थोड़ा सा टफ तो है PWI का जॉब, और उसको पूरा ट्रैक के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और चूंकि उस पर ट्रेन चलती हैं और सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर मुझे लगता है कि JEE PWI में आपका ज़्यादा होगा कंपेयर टू JEE MES। निखिल बदगोर कमेंट करते हैं सर डिफेंस सर्विस का मेडिकल क्राइटेरिया क्या होता है। नहीं डिफेंस सर्विस का मेडिकल क्राइटेरिया तो काफ़ी टफ होता है, और डिफेंस में तो आपको मेडिकली फिट ही पर्सन चाहिए, अदरवाइज तो डिफेंस में डिफ़िकल्ट होगा उसको काम करने के लिए, तो मेडिकल क्राइटेरिया तो पूरा उनको जो फिटनेस है जो कंप्लीट फिटनेस चाहिए उसमें तो कंप्लीट फिटनेस की ज़रूरत होती है, और मेडिकल क्राइटेरिया काफ़ी टफ होता है वहाँ का। हिमांशु मोहता ग्रेट सर ओके थैंक यू। हार्दिक हिमांशु शेखर हार्दिक संभानी कमेंट करते सर विच इज़ द बेस्ट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी इन ENT। ENT से आपका क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आई थिंक, तो उसमें आपके लिए मेरे ख्याल से आप टेलीकॉम में जा सकते हो। IT आल्सो अभी तो टेलीकॉम BSNL हो गया है, तो मेरे ख्याल से SNT वालों के लिए जो है रेलवे भी अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ आपको सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन दोनों में पोस्टिंग का मौका मिलता है, और प्रोमोशनल प्रॉस्पेक्ट SNT के काफ़ी फास्ट हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि रेलवे इज़ द बेस्ट फॉर द SNT पीपल। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे हम लोग अगला वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको, यहीं जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।